हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूनिकॉर्न एकेडमी। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने मणिपाल काउंसलिंग के राउंड वन के रिजल्ट के बारे में देखा कि कट ऑफ जो रिलीज कर दिया गया एंड हाउ टू चेक द रिजल्ट, हमने उसके बारे में देखा। तो आप कैसे चेक कर सकते कि आपको कौन सा ब्रांच मिला है। देन हमने देखा कि कौन से रैंक पे, कितने रैंक पे, कौन से कैंपस में कौन सा ब्रांच मिल रहा है, उसका हमने एनालिसिस किया। एंड हमने आपको बताया कि अगर आपको सीट मिल गई तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, अगर आपको सीट नहीं मिली है तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, एंड हाउ टू डू द फ्रेश रजिस्ट्रेशन। तो इन बातों पे हमने गौर किया। तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप देख सकते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जल्द ही हम आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ ऑफ राउंड टू का वीडियो लाने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि 2018, 2019 एंड 2020 में राउंड वन के कट ऑफ में क्या अंतर आया। हम कंपैरिजन करेंगे कि 2020 के राउंड वन का कट ऑफ जो है वो 2019 एंड 2018 के कंपैरिजन में किस तरह का रह रहा है, ज़्यादा या कम। एंड फिर हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने वाले हैं 2020 राउंड टू काउंसलिंग का MIT मणिपाल का। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप मणिपाल के आगे आने वाले वीडियोस को मिस ना करें। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट कर लेते हैं कंपैरिजन से। ब्रांच वाइज हम लोग कंपैरिजन देखने वाले हैं राउंड वन के कट ऑफ का, 2020, 2019 एंड 2018 में कितना डिफरेंस जो है वो आ रहा है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें हम स्टार्ट कर देते हैं। तो ब्रांच वाइज हम देखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का देखने वाले। तो MIT मणिपाल हम लोग इसमें बात करेंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी में 2018 में इसका राउंड वन में कट ऑफ था 20,303, वही 2019 में ये 32,370 चले गया था। लेकिन इस बार 2020 में ये 16,048 है, मतलब जो है कम रैंक पे जो है वो बायोटेक्नोलॉजी जो है वो मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि अभी तो राउंड वन में 16,048 पे बायोटेक्नोलॉजी मिल रहा है, लेकिन अगले राउंड में हम देखेंगे कि ये बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। ओके, बात कर लेते हैं केमिकल की। तो 2018 में जो है वो 17,119 था इसका कट ऑफ राउंड वन का। वही 2019 में मुझे स्पेसिफिक डेटा तो पता नहीं है, लेकिन 21K के अप्रॉक्स जो है वो गया था राउंड वन में कट ऑफ केमिकल का। एंड 2020 में ये जो गया है वो 19,754 है, मतलब उसी के आसपास में। ओके, वही अगर सिविल की बात करें तो आपकी स्क्रीन के सामने है एंड आप देख सकते हैं मैंने सारे ब्रांचेस का एक एक करके कंपैरिजन जो वो डाल दिया है। आप वहां से जो है चेकआउट कर सकते हैं कि किसका कितना इंक्रीज हुआ है, देन किसका कितना डिक्रीज हुआ है ईयर बाई ईयर। तो वही सिविल का आप देख सकते हैं यहाँ पे, देन कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, देन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, देन IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डेटा साइंस एंड इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, मीडिया टेक्नोलॉजी, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड मैकेट्रॉनिक्स। तो ये सारे ब्रांच जो MIT मणिपाल का, उसका सारा कंपैरिजन मैंने 2019 वर्सेस 2018 वर्सेस 2020 का डाल दिया। आप यहाँ से देख लीजिए इस लिस्ट में कि कितना किसका कम हो रहा है, कितना किसका ज़्यादा हो रहा है राउंड वन का कट ऑफ। एंड राउंड सिक्स तक का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है मैंने MIT मणिपाल एज वेल एज जयपुर एंड सिक्किम कैंपस का भी मैंने डाल दिया है। तो आप प्लेलिस्ट पे जाके वो देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। तो मेन ब्रांचेस के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो कंप्यूटर साइंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो 2018 में इसका राउंड वन का कट ऑफ था 1,059, ओके, वही 2019 में ये हो गया 1,113, लेकिन 2020 में राउंड वन का कट ऑफ इसका 781, बहुत ही कम है, लेकिन धीरे धीरे जो है वो बढ़ जाएगा। एंड वही अगर बात कर ले IT की, तो 2018 में इसका कट ऑफ था 2,113 एंड 2019 में कम हो गया 1,898, वही 2020 में ज़्यादा डिफरेंस जो है वो आया नहीं है, वो 1,932, ओके, इतने पे रह गया। कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन की बात करें तो 2018 में इसका था 2,483, वही 2019 में इसका हुआ 2,608 एंड 2020 में हो गया 2,457, तो ज़्यादा डिफरेंस जो वो नहीं आ रहा है इन ब्रांचेस में। एंड डेटा साइंस की बात करें तो इसका डेटा जो है मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो 2020 में जो है वो मैं बता देता हूँ कि 2,485 पे इसका राउंड वन का कट ऑफ गया है। थोड़ी देर में मैं हर ब्रांच का राउंड टू का कट ऑफ बता दूंगा MIT मणिपाल
एमयू जयपुर एंड एसएमआईटी सिक्किम हर ब्रांच का कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ राउंड टू का मैं बताने वाला हूँ, तो आप लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिए। तो ये आपके सामने लिस्ट है, आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड राउंड टू का एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने इसको प्रिपेयर कैसे किया है, कौन से बेसिस पे किया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर इंक्रीमेंट एनालिसिस मैंने इसको प्रिपेयर किया। जैसे 2018 2019 में राउंड वन में इतना है, देन राउंड टू में कितना चेंज आ रहा है, वही राउंड सिक्स तक ही कितना जा रहा है, एंड राउंड वन से राउंड टू में वो कितना परसेंटेज इंक्रीज है, वो सब बहुत तरह का एनालिसिस करते हुए, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस को देखते हुए मैंने ये राउंड टू का एक्सपेक्टेड कट ऑफ का जो लिस्ट है वो प्रिपेयर किया आपके लिए, एमआईटी मणिपाल, एमयू जयपुर एंड एसएमआईटी सिक्किम का। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम राउंड टू का एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको राउंड टू के काउंसलिंग का एक्सपेक्टेड कट ऑफ ब्रांच वाइज हर कैंपस का बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ अप्रॉक्सीमेट होने वाले, एग्जैक्ट तो नहीं होने वाले, लेकिन इसके आसपास जो है वो होने के चांसेस है। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले हम एमआईटी मणिपाल की बात कर लेते हैं, एंड ब्रांच वाइज हम राउंड टू का एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो देख लेते हैं। ओके, तो बायोटेक्नोलॉजी से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो बायोटेक्नोलॉजी का जो राउंड टू का एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने वाला है वो होने वाला है 19,500। ओके, देन केमिकल का होने वाला है 21,500, सिविल का जाने वाला है 24,500 के आसपास, देन कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन का जो है वो 2,500 के आसपास राउंड टू का एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो होने वाला है। बात करें सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच की, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के एमआईटी मणिपाल में, इसका राउंड टू का एक्सपेक्टेड कट ऑफ 900 के आसपास जो है वो रहने वाला है। ओके, बात कर लेते हैं आईटी की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, तो राउंड टू का इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो होने वाला है 2,150। देन डेटा साइंस की बात करें तो इसका होने वाला है 2,700 के आसपास राउंड टू का कट ऑफ। ओके, देन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो इसका जो राउंड टू का एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने वाला है वो होने वाला है 23,500। तो राउंड टू का जो कट ऑफ है वो इसके आसपास ही रहने वाला है। देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 7,500 के आसपास राउंड टू का इसका कट ऑफ जो है वो आने वाला है। देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करें तो 4,250। ओके, देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन जो है उसका कट ऑफ 13,000 तक जो है राउंड टू में जा सकता है। देन मीडिया टेक्नोलॉजी की बात करें तो 22,500 के आसपास राउंड टू का कट ऑफ इसका जा सकता है। देन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो इसका राउंड टू का कट ऑफ जो वो 11,000 के आसपास जा सकता है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग 16,000 के आसपास, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग 22,000 के आसपास, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 12,000 के आसपास, एंड मैकेट्रॉनिक्स का भी 12,000 के आसपास जो है वो राउंड टू का कट ऑफ रहने के चांसेस हैं। तो हमने एमआईटी मणिपाल का हर ब्रांच वाइज जो है हमने वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख लिया है राउंड टू का। तो चलिए अब हम देख लेते हैं जयपुर कैंपस के बारे में। तो जयपुर कैंपस में कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का राउंड टू का एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो 18,000 के आसपास रहने वाला है। 18,000, ओके, देन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करें तो 9,200 के आसपास राउंड टू का इसका कट ऑफ जो है वो रहने वाला है। देन आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो 15,500 के आसपास, डेटा साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करें तो 13,000 के आसपास इसका कट ऑफ जो है वो रहने वाला है। देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 30,000 के आसपास, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का राउंड टू का कट ऑफ इसमें 24,500 के आसपास रहने वाला है। देन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की बात करें तो 39,500 के आसपास इसका राउंड टू का कट ऑफ जा सकता है। देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग 38,000 के आसपास रह सकता है, एंड मैकेट्रॉनिक्स का इसका 33,000 के आसपास रहने वाला है। ओके, तो जयपुर कैंपस का भी हमने ब्रांच वाइज जो है वो राउंड टू का एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो देख लिया। चलिए बात कर लेते हैं हम सिक्किम कैंपस के बारे में। तो सिक्किम कैंपस में सीएस का जो राउंड टू का कट ऑफ जो एक्सपेक्टेड है वो 17,500 के आसपास रहने वाला है। तो 17,500 रैंक तक जो है वो एसएमआईटी सिक्किम में उनको सीएस मिलने के चांसेस जो है वो राउंड टू में है। ओके, देन आईटी की बात करें तो उसका जो राउंड टू का एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है सिक्किम कैंपस में वो 24,000। देन ईई मतलब इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का 33,000 के आसपास, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का 36,000 के आसपास, एंड
एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग का राउंड टू का एक्सपेक्टेड कट ऑफ 39,000 के आसपास जो है वो रहने वाला है। तो हमने हर कैंपस के हर ब्रांच का राउंड टू का एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख लिया है, तो आप यहां से अपना मैच कर सकते हैं। अगर आपका रैंक इसके आसपास है तो आपको ये ब्रांचेस जो है कैंपस में मिल सकता है। तो अगर आपका रैंक इससे ज़्यादा अगर हो रहा है तो डरने की कोई बात है नहीं, पहले के 3 राउंड जो है वो सेफ जाने वाला है, मतलब बहुत कम कम इंक्रीज होगा, लेकिन आखिरी 2 या 3 राउंड में जो है वो रैंक जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है शुरुआत में उतना ज़्यादा ड्रास्टिकली इंक्रीज जो है वो नहीं कर सकते, लेकिन राउंड 4 या राउंड 5 से जो है वो मतलब कट ऑफ में जो है रैंक में जो है वो इंक्रीज आना चालू हो जाएगा। एंड राउंड 6 तक अगर आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखना चाहते हैं हर कैंपस का, चाहे वो मणिपाल हो या जयपुर हो या सिक्किम कैंपस हो, तो आप वो जो है देख सकते हैं। हमारे प्लेलिस्ट पे जाइए, MIT 2020 के प्लेलिस्ट पे, आप वहां से देख सकते हैं, एंड उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देती है, आप वहां से चेकआउट इसको कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आप मणिपाल के रिलेटेड कोई भी वीडियो मिस ना करें एंड आप अपडेटेड रहें।